बिहार में एनडीए की रैली 3 मार्च को है। एनडीए में शामिल तमाम घटक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसे लेकर बिहार में रथ भी निकाले जा चुके हैं। रथ के माध्यम से नेता लोगों को रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल एलजेपी की व्यस्तता स्वाभाविक रूप से पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी भी उक्त रैली के माध्यम से बिहार में चुनावी अभियान का विधिवत आगाज करेंगे, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता चाहते हैं कि रैली से पहले एलजेपी कोटे की 6 में से 3 सीटें नवादा, खगड़िया और वैशाली पर आधिकारिक रूप से मुहर लग जाए। खगड़िया, नवादा और वैशाली की जंग काफी दिलचस्प है। पिछली बार खगड़िया और वैशाली से उसकी जीत हुई थी। खगड़िया के एलजेपी सांसद साथ नहीं है, उसके बावजूद एलजेपी खगड़िया की सीट नहीं छोड़ेगी। खगड़िया की लड़ाई इस मायने में भी दिलचस्प हो गई है कि महागठबंधन वहां से मुकेश सहनी को उतारने की योजना में है। खगड़िया पर एनडीए के स्तर पर फैसला अभी बाकी है, इसलिए एलजेपी की तैयारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही है। एनडीए के अंदर यह लगभग तय है कि मुंगेर सीट छोड़ने के एवज में एलजेपी को नवादा की सीट मिल रही है। मुंगेर की सांसद वीना देवी वहां से एलजेपी की प्रत्याशी होंगी, पर बीच में वहां के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहकर थोड़ी अड़चन पैदा कर दी कि नवादा छोड़ कहीं और से नहीं लड़ेंगे। वैशाली में रामा सिंह इस बार एलजेपी की प्रत्याशी नहीं होंगे। वैशाली सीट एलजेपी के खाते में इस बार आएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ है। एनडीए की गांधी मैदान में होने वाली रैली के सिलसिले में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान 26 से पटना में कैंप करेंगे। तैयारियों की मॉनिटरिंग इनके स्तर से ही की जाएगी। अभी हाल ही में सभी जिला व प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ लोजपा ने इस रैली के सिलसिले में बैठक की थी। पटना में 3 मार्च को एनडीए की रैली है, उसे लेकर बीजेपी समेत जेडीयू और एलजेपी की ओर से भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पिछले दिनों जेडीयू कार्यालय की ओर से बिहार में रथ भी निकाला गया है। इस रथ के माध्यम से लोगों को रैली में आने के लिए न्योता दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी खुद भी विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम मंत्री व नेता अपने अपने स्तर पर प्रचार करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है, बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार तख्त।